हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल पीवीएफएन क्योंकि इसका जो मेथड है लिटरली मुझे समझ में नहीं आया कि इसका काम क्या है बट क्योंकि आप लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा था और मुझे थोड़ा सा यूनिक लगा ये क्योंकि इस तरह का आप एक्सल में पिना जुगाड़ के नहीं कर सकते हो तो हमने इस वीडियो को बनाने में इस ट्रिक को अप्लाई करने के लिए मैंने जुगाड़ अपनाया है जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे बताइए कि इसका यूज आप कहाँ पे कर रहे हैं बेसिकली उनका क्वेश्चन क्या था कि सपोज इट मान लो कि उनके पास दस जो है टेक्स्ट बॉक्स है लेकिन वो चाहते हैं कि जब वो इंटर इंटरट्रेस करे तो पांच नंबर टेक्स्ट बॉक्स तक तो उसका कर्सर जाए लेकिन उसके बाद वो छठे नंबर में ना जाके फिर से एक नंबर पे चला जाए तो बहुत ही सिंपल और छोटा सा वीडियो है आप लोगों के क्यूरी को रिजोल्व करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ देखो तो मैंने वीडियो इसीलिए बनाया क्योंकि ये मुझे थोड़ा यूनिक तो थो लगा क्योंकि इस तरह का वीडियो मुझे नहीं मिला यूट्यूब पे तो मैंने कहा कि चलो इसको बनाते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि इस तरह का अगर आपके सामने सिचुएशन आता है तो आप उसको कैसे हैंडल करोगे राइट इससे पहले अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले लाइक जरूर कर दीजिएगा जिससे कि हमें भी थोड़ा सा आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो चलिए इसके साथ स्टार्ट करते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए हमने क्या किया है पहले से ही लेवल और टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट कर लिया है अब इसमें क्वेश्चन क्या था कि सपोजिट मान लो कि आपने यहाँ पे कर्सर को लाया आपने इंटर किया अब इंटर करने के बाद ये पांच नंबर लेवल के बाद ये क्या हो रहा है सिक्स में जा रहा है लेकिन उनका क्वेश्चन था कि ये पांच नंबर के बाद फिर से कर्सर जो है यहां पे आ जाए अब इसमें मैंने बहुत सारे मेथड को यूज करने का कोशिश किया कि ये यहां पे आ जाए सेट फोकस का भी यूज किया लेकिन काम नहीं कर रहा था जैसे अभी आप चलो और मैं यहां पे क्या करता हूं कि इस पे डबल क्लिक करके इसके एग्जिट या आफ्टर अपडेट पे एग्जिट पे ही ज्यादातर करते हैं एग्जिट पे मैंने कहा कि मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट सेट फोकस अब हम अगर यहाँ से इंटर प्रेस करते हैं तो क्या होता है कि यहाँ तक तो जा रहा है लेकिन यहाँ से जैसे ही बाहर निकलता है तो ये क्या हो रहा है पे ही जा रहा है जबकि इसको हमने कहा था कि जब यहाँ से बाहर निकले तो ये पे जाए टेक्स्ट बॉक्स वन में लेकिन जा रहा है कहाँ पे ये जा रहा है टेक्स्ट बॉक्स सिक्स में तब इसके लिए आपको करना क्या होगा एक मेथड तो ये है जो बहुत सिंपल है बट वो पूरा काम अच्छा से नहीं करेगा वो मेथड क्या है सिंपली हम यहाँ पे करेंगे एग्जिट पे क्या करना है हम कहेंगे फोर कहाँ से कहां तक मुझे करना है तो थोड़ा सा प्रिपरेशन आपको करना पड़ेगा क्या प्रिपरेशन करना पड़ेगा इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या है टेक्स्ट बॉक्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन राइट तो टेन हो गया साथ में यहाँ पे कंट्रोल क्या है कमांड बटन वन और ये क्या है लेवल एगारह राइट तो अब आपको इसके एग्जिट पे लिखना होगा स्कीप इजक्वल टू सिक्स टू टेन और यहां पे करना होगा नेक्स्ट स्कीप और यहाँ पे आप सिंपली लिखोगे मी टेक्स्ट बॉक्स एंड स्कीप डॉट इनेबल इक्वल टू फॉल्स राइट अब आप देखो अगर इसको यूज करोगे तो प्रॉब्लम क्या होगी एक प्रॉब्लम इसमें आएगा आपने यहां पे इंटर मारा यहां पे इंटर मारा यहां पे इंटर मारा यहां पे इंटर मारा यहां ये वेरिएबल नॉट डिफाइंड है तो हम यहां पे वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं कर देते हैं डी एस्कीप एज ए लॉन्ग और इसको रन करेंगे तो देखिए अभी आपका कर्सर कहां चला गया चलिए दोबारा मैं करता हूं यहां से हमने इंटर मारा अभी जैसे ही इंटर मारे तो सर चला चलाया सेट पे आ गया अब यहां पे नहीं आया तो इसमें अब हमें क्या करना होगा यहां पे जितने कंट्रोल है सबको क्या करना होगा डिजेबल करना होगा तो फिर इसमें जाएंगे और यहां पे लिखेंगे आप ये करेंगे राइट right. अभी आप अगर रन करेंगे तो देखिए आपका कर्सर कहाँ गया कर्सर यहां पे आया यहां से बाहर गया जैसे ही आपने कर्सर मारा ये यह कर्सर यहाँ आया जैसे अजय कुमार किया और देखिए कर्सर कहाँ चला गया फिर से वहां चला गया लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है क्योंकि जुगाड़ भी करो तो ऐसा जुगाड़ करो कि वो परफेक्टली काम करे अगर इसमें कभी कंट्रोल आगे मुझे ऐड करना पड़े तो मुझे कोड में जाके चेंज ना करना पड़े राइट तो उसके लिए हम क्या करेंगे थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसमें एक प्लानिंग कर लीजिएगा क्योंकि लूप अगर आप चलाएंगे तो क्या होगा यहां पे देखिए लूप में क्या हुआ आपको टेक्स्ट बॉक्स में ही कर दे। इंडेक्स कहां मिलेगा तो यहां पे जाएंगे यहां पे टैब इंडेक्स वन शुरू हुआ तो वन इसका कितना है तो यहां पे देखिएगा ये टू है इसका कितना है थ्री है इसका फोर है फाइव है इसका कितना है सेवनटीन है तो इसको कर दीजिए आप सिक्स इसको कर दीजिए सेवन इसको कर दीजिए एट इसी तरह सभी कंट्रोल के टैब इंडेक्स को आप सीरियल नंबर में डाल दीजिए टैब इंडेक्स को एक नया चीज था तो मुझे लगा कि इसको कुछ करना चाहिए अब इस टैब इंडेक्स को क्या करना है अगर ये टैब इंडेक्स हमारा कितना हुआ नाइन हुआ गलत है इसका मतलब ये सिक्स है सेवन एट नाइन

कर्सर होता है जाता कहां पे है? या तो टेक्स्ट बॉक्स में जाता है या कमांड बटन पे जाता है इसके अलावा कहीं और नहीं जाता है या ऑप्शन या चेकबॉक्स पे जाता है तो वो चीज हम यहाँ पे यूज नहीं कर रहे हैं अगर हम चेकबॉक्स यानी रेडियो बटन भी यूज कर रहे हैं तो उसका जो टैब इंडेक्स है वो सीरियल नंबर आपको डालना है तो हमको क्या करना है कि पांच से ज्यादा जो भी टैब इंडेक्स हो वो क्या हो जाए डिजेबल हो जाए तब यहाँ पे क्या करेंगे यहां पे ये सब हटा देंगे इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है यहां पे करेंगे क्योंकि कुछ लोगों ने कहा था कि वेरिएबल भी डिफाइन करें इसलिए मैं वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूं डीम कंट्रोल एज कंट्रोल और यहां पे करेंगे फोर एच कंट्रोल इन मी डॉट कंट्रोल्स और यहां पे नेक्स्ट करेंगे और यहां पर हम देंगे इफ कंट्रोल डॉट टैब इंडेक्स ग्रेटर देन फाइव देन और यहाँ पे इंडिफ्ट कीजिए और यहाँ पे कीजिए कंट्रोल डॉट इनेबल इज क्वल टू फॉल्स दैट्स इट अब आप इसको रन कीजिए अब अगर आप यहाँ पे रन करेंगे तो देखिए यहाँ पे इंटर मैंने मारा अब पांच के बाद ये सीधा कहाँ गया आपका कर्सर एक नंबर पे गया हालांकि ये डिजेबल कर देता है लेकिन ये डिजेबल नहीं होगा जब आप इंटर करेंगे तो डायरेक्ट यहाँ चला आएगा लेकिन ध्यान रखिएगा ये आपको पता नहीं चलेगा कि ये डिजेबल हुआ कब और इनेबल हुआ कब तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे सेम को आप कॉपी कीजिए को और इस फॉर्म में जो हमारा लेवल टेक्स्ट बॉक्स वन है इसके इंटर पे एक कोड डाल दीजिए सेम कोड डालना है बस इसमें चेंज क्या करना है आपको इनेबल के जगह पे आपको ट्रू कर देना है राइट अब रन कीजिए अब यहां से हमने रन करना शुरू किया देखिए कर्सर आपका जो है मेन इसी बीच में रन कर रहा है राइट right? तो आई होप आपको ये जुगाड़ जुगाड़ पसंद पसंद आया आया होगा अगर जुगार पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर पसंद नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि क्यों नहीं पसंद आया हालांकि मुझे भी इसका कोई यूज नहीं दिख रहा है तो चलिए मिलते हैं इस सैटरडे को टू डू लिस्ट के साथ आप लोगों के फीडबैक को लेते हुए इसी के साथ धन्यवाद